हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है। स्ट्रेटेजिक का मैनेजमेंट का तो पेपर आप सभी ने एकदम वंडरफुल किया होगा, बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छे क्वेश्चन अपने भी बैठ गए, बहुत मजा आया और बहुत 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 बधाई। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट पेपर के डिटेल वीडियो नहीं, अंतिम प्रहार लेकर। जी हाँ, अंतिम प्रहार लेकर मैं आ चुका हूँ और ये इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट के ऑलरेडी डिटेल वीडियो लास्ट ईयर के अपलोडेड है, कोई नया टॉपिक एड ऑन नहीं किया है। तो इसकी और कोई रिमेनिंग टॉपिक की कोई इस तरीके की वीडियो नहीं आने वाली है, यही अंतिम प्रहार है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि यकीन मानो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतिम प्रहार होने वाला है। पहली बार मुझे ऐसा खुद को ऐसी फील आ जाती है कि इसके क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसके क्वेश्चन में एग्जाम में मिलने वाले हैं। अभी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो आज आपने पेपर दिया, एक रिव्यू दिखाना चाहता हूं मैं आपको। जैसे मैंने ये रिव्यू पढ़ा, मेरे को बड़ी खुशी हुई। एक बच्ची ने कमेंट किया, अमृता वर्मा जी ने कमेंट किया है यहाँ पे, आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू दैट द सर टुडे वाज माय एग्जाम ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आई कंप्लीटेड ऑल यूनिट थ्रू ऑफ योर वीडियोस। आपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो सारे आए, बहुत ही कम टाइम में मैंने आपकी हेल्प से ये सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट किया, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, थैंक्स अ लॉट। अब इससे ज्यादा आज के दिन में मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। सनी साहब ने भी कमेंट किया था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे और प्रकाश सिंह साहब भी, मैंने एक कमेंट बता दिया, बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। आप सबका पेपर अच्छा गया, मेरे को इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती। मतलब आज ये समझ लीजिए, आज मैंने एक मिठाई ज्यादा खाई है, ठीक है, मिठाई तो मैं रोज खाता हूँ, ठीक है, तो आज एक मिठाई मैंने ज्यादा खाई है। तो अंतिम प्रहार की सीरीज लाए हैं, पूरी टीम को बधाइयां, ठीक है, आप सबको बधाइयां। लेकिन फिर भी मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि भले हमारे क्वेश्चन बैठ गए हो, डिटेल वीडियो के बिना कदम ना रखें। एक जने ने मेरे को बोला मैसेज करके कि सर अब हमारे पास टाइम नहीं है, केवल अंतिम प्रहार ही दिखा देंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं, उन बच्चों को बोलना चाहता हूं, देखो बेटा डिटेल वीडियो में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 वीडियो है, मुश्किल से अगर हाईएस्ट मानू मैं 5-7 वीडियो के भी तो 2-3 आवर्स के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही अंतिम प्रहार पर आए। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा मत आइए इधर, मैं कह रहा हूं मत देखिए वीडियो, डिटेल वाले पहले ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही जरूरी है। मैं ऑनेस्ट बात करता हूं, ये बैठे के नहीं बैठे कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं और हर बार ऐसा होता है। और आप सबकी भाग्य अच्छा, हमारी टीम की मेहनत अच्छी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, या आप कह लो कि आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो इसलिए हमारे क्वेश्चन बैठ जाते हैं। देखिए हमारी टीम की कम मेहनत है, मेहनत असली आपकी ज्यादा है। तो सारे क्वेश्चन अभी डिटेल देख लेते हैं, इसके अंदर भी मैंने 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं और आखिरी में कोई एक एड ऑन क्वेश्चन भी दिया है जो इस बार और मेरे को रिलेवेंट लग रहा है, इसलिए मैंने वो लास्ट मिनट के अंदर एड ऑन किया है। वो 11th यूनिट के अंदर आज 11 की 11 में अपलोड कर दूंगा। ये बात हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन डिटेल के बिना यहाँ पे पहुंचना ना। और जिन भी सब्जेक्ट के डिटेल, फाइनेंस, आईटी, आईबी, जिनके भी डिटेल है वो सब लगभग मैं कल अपलोड करने की पूरी दिलो जान से कोशिश करूंगा, नहीं तो संडे तक सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद ह्यूमन वैल्यूज का है, उसका अंतिम प्रहार भी हो चुका है और डिटेल वीडियो भी आ चुके हैं, ठीक है, तो परेशान मत होइए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या है अंतिम प्रहार की सीरीज का, ठीक है, और फिर से आप सबको बधाइयां और इसी तरीके से मेहनत कीजिएगा। अरे माफी चाहूंगा, ठीक है, हाँ पहला क्वेश्चन निकल रहा है इनोवेशन के टाइप्स एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और इनोवेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को समझने से पहले याद रखना कि इनोवेशन क्या होता है, क्या इनोवेशन क्या होता है इसका मतलब भी याद होना चाहिए। बेसिक बार बार पूछा गया क्वेश्चन है इनोवेशन का मीनिंग। इनोवेशन का मतलब याद रखना कि इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो क्रिएटिविटी है, ठीक है, क्रिएटिविटी को हम ट्रांसफॉर्म करके जब एक फिजिकल अपीयरेंस दे देते हैं और हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में कुछ ऐड हो रहा होता है तो वो इनोवेशन कहलाता है। यानी कि जो क्रिएटिविटी मैंने एक विजुअलाइज करा कि ऐसा किया जाएगा कि ये मेरे पास मोबाइल फोन है, अब ये मोबाइल फोन के अंदर किसी को रैम चाहिए हाई, किसी को गेमिंग मोबाइल चाहिए, किसी को कैमरा चाहिए, किसी को वीडियो के लिए चाहिए, तो भाई अपन क्यों ना ऐसा मोबाइल बनाए जिसके अंदर सारे पार्ट्स असेंबल किए जा सकते हैं। यदि जब कैमरा ज्यादा चाहिए तो कैमरा अलग से अटैच कर लो, जब रैम ज्यादा चाहिए तो रैम एक्स्ट्रा अटैच कर लो, 8 GB की जगह 16 GB रैम अटैच कर लो,
क्यों नहीं हो सकता? अटैचमेंट लगा के जब हम एसेसरी बना रहे हैं तो क्यों नहीं बना सकते? तो दैट इज द पार्ट ऑफ माय क्रिएटिविटी, लेकिन अभी भी इनोवेशन पे नहीं पहुंचा। यानी क्रिएटिविटी जब एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म होगी तब वो इनोवेशन कहलाएगा, और अवर एग्जिस्टिंग और इनोवेशन के अंदर वो फिजिकली अपीयर होना चाहिए, क्रिएटिविटी में वो अपीयरेंस है। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग। अब इनोवेशन जो होता है वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से ही इंस्पायर होकर नेक्स्ट बनता है, ठीक है? तो वो क्रिएटिविटी इसकी फर्स्ट स्टेज होती है और नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाते हैं। अब याद रखिएगा, ये सिंपल सा डायग्राम आपको दिया हुआ है, सिंपल सा आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या कह रहा है इसके, इस एक्स पे तो रखा है इंपैक्ट ऑन द मार्केट, यानी मार्केट पे इनोवेशन के टाइप्स, चार तरीके के इनोवेशन के टाइप्स हैं। सबसे पहला कह रहा है इंपैक्ट ऑन द मार्केट, यानी मार्केट पे कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने कोई इनोवेशन लाया उसका मार्केट के कितना प्रभाव पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इनोवेशन के टाइप देख रहे हैं। और अभी कह रहा है सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजिकल न्यूनेस, यानी कि कोई हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी न्यू है, ठीक है? क्लियर हो गया। अब पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आया, इंक्रीमेंटल। अब मार्केट पे प्रभाव यहां पे लो है, ठीक है, थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, मार्केट पे प्रभाव जो है वो लो है और टेक्नोलॉजी भी न्यू है। यानी कि हमने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को ही अपडेट करा है, कुछ ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं करे। यानी इंपैक्ट भी लो आया, जैसे कि पहले रिन आता था, अब सुपर रिन निकाल दिया, पहले टाइट आता था और सुपर टाइट निकाल दिया, पतंजलि की पहले कंठा अमृत आती थी अब एक्सट्रीम कंठा अमृत निकाल दी, मतलब और थोड़ी उसके अंदर अपडेटेड, ठीक है? तो ये क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसी में ही थोड़ा सा अपडेशन करना इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहलाता है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में ही अपडेशन किया इंक्रीमेंटल, ठीक। सेकेंड पॉइंट अपन पढ़ते हैं आर्किटेक्चर। अब जब हम उसके अंदर सिग्निफिकेंस अपडेट कर देते हैं, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस अपडेट कर देते हैं, यानी कि इंपैक्ट ऑन द मार्केट तो उसमें हाई है लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू ही है, मतलब लेस न्यू है। यानी कि देखिएगा यहां पे लो है और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वहां हाई आ रहा है, ठीक है? यहां पर हाई है और यहां पे लो है। तो क्या है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब कंस्ट्रक्टिव हो गया है, यानी कि टेक्नोलॉजी तो थोड़ी सी बदली लेकिन मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट आ गया, टेक्नोलॉजी तो थोड़ी सी बदली लेकिन मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट आ गया। जैसे कि क्या करा, कैमरे फोन पहले भी थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी पहले भी थी, अब कैमरे फोन की केवल क्वालिटी बढ़ा दी आपने 2G की जगह, अब मैं कह सकता हूं कि आप उसी 2G के अंदर आपने कोई इनोवेशन कर दिया, या आपने वाईफाई की, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की जगह वाईफाई कनेक्टिविटी ले आई, तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी तो थोड़ी सी बदली लेकिन मार्केट के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा आ गया। जब हम किसी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी कम चेंज करते हैं और मार्केट पर ज्यादा इंपैक्ट आ जाता है तो वो आर्किटेक्चरल इंपैक्ट होता है, यानी उसमें मार्केट में इंपैक्ट क्या आया, सिग्निफिकेंस इंपैक्ट आया। ऐसा सर कब होगा कि टेक्नोलॉजी हल्की सी बदले, जैसे करा गया ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में जैसे IRCTC ने क्या कहा, अभी आपको अपने रिसेंट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि हम AI की हेल्प लेके, जैसे ChatGPT अब AI चल रहा है, बहुत ही मस्त चीज है, मतलब मजा आ गया था उसको चलाने में, ठीक है? तो जब उन्होंने क्या कहा कि अब हम AI की हेल्प लेके ये वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम ही खत्म कर देंगे, सबकी बुकिंग होने लग जाएगी AI की हेल्प लेके, वो डायरेक्ट बोल देगा कि आपको मिलने वाली टिकट के नहीं मिलने वाली, इतनी परसेंट एक्यूरेसी बढ़ाने वाले हैं वो, ठीक है? तो ये कौन सा आया, इन्होंने थोड़ा सा हेल्प लिया है, ज्यादा हेल्प नहीं लिया है, थोड़ा सा। बुकिंग पहले भी होती थी, अब उन्होंने ऑनलाइन मोड से कर दिया तो टेक्नोलॉजी क्या हुई, थोड़ी सी लो ही रही लेकिन मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आया। यहां पर इनोवेशन में थोड़ा सा कुछ बढ़ ही रहा होता है। आगे थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल। यहां पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी तो ज्यादा बढ़ गई लेकिन मार्केट पे इंपैक्ट लो आया, टेक्नोलॉजी तो ज्यादा बढ़ गई लेकिन मार्केट पे इंपैक्ट लो आया। जैसे कि सर टेक्नोलॉजी एकदम चेंज हो जाए टेक्नोलॉजी, और ये जो होता है ब्रेकआउट करता है, क्या करता है, ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री ऑफन टू क्रिएट न्यू मार्केट, क्रिएट नहीं करता, केवल ब्रेकआउट करता है सेल्स को। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं अपन, कि टेक्नोलॉजी हल्की सी बढ़ी है लेकिन मार्केट में इंपैक्ट क्या आया है, सॉरी टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ी है लेकिन मार्केट में इंपैक्ट लो आया है। अब ये हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो ज्यादा यूज नहीं आते हो, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि कॉमर्शियल प्रोडक्ट, कॉमर्शियल प्रोडक्ट में आज आप देखोगे तो कॉमर्शियल जो वॉशिंग मशीन है उसमें बहुत इंपैक्ट सिग्निफिकेंस आया लेकिन उसका मार्केट पे इंपैक्ट लो आया है। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल वॉशिंग मशीन का यूटिलाइजेशन कम है। गेटिंग माय पॉइंट, उसका यूटिलाइजेशन कम है। जब वो यूटिलाइजेशन कम क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कम है, जब वो इंडस्ट्री कम है तो उसका मार्केट पे इंपैक्ट क्या आता है, लो आता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
फिर से समझा देता हूं, है ना। थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूज हुए होंगे कि जब टेक्नोलॉजी पे तो ज्यादा इंपैक्ट आए लेकिन मार्केट में उसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिले, जिसमें कॉमर्शियल प्रोडक्ट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्ट नए मार्केट क्रिएट नहीं करते, कॉमर्शियल प्रोडक्ट में बहुत जल्दी एडवांटेज आता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट में बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी बदलती है। जो हमारे डेली रूटीन के प्रोडक्ट होते हैं उससे कॉमर्शियल प्रोडक्ट बहुत फास्ट हो जाते हैं, लेकिन उस पर मार्केट नहीं खड़ा होता, है ना, क्योंकि उसमें हाई कंपटीशन होता है। इसमें प्रोडक्ट बाय, जैसे कि आज मैं एक मिक्सर लेने जाता हूं तो 3,000-5,000-6,000 का मिक्सर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर मैं वही कॉमर्शियल रेंज में मिक्सर लेने जाता हूं तो आदमी क्या सोचता है, 10,000 का लाओ कि 15 का लाओ कि 20 का लाओ। चीज ऐसी हो कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव करे। गेटिंग माइंड, जूस बनाने वाला वो 15,000-20,000 का भी मिक्सर अफोर्ड कर सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, इसलिए उसमें हाई कॉम्पिटिशन में होने के कारण उसमें टेक्नोलॉजी रैपिड इंक्रीमेंट आता है, लेकिन मार्केट में चेंज नहीं आ पाता। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव का मतलब यहां पर यह है कि सब कुछ ज्यादा है, मार्केट में इंपैक्ट भी ज्यादा है और टेक्नोलॉजी भी बदली, यानी कि टेलीफोन की जगह अब क्या आ गए, मोबाइल फोन आ गए। एकदम से मार्केट चेंज हो जाए, जब एकदम से मार्केट चेंज हो जाता है, यानी कि मार्केट में एकदम सिग्निफिकेंस चेंज आ जाता है, जब टेक्नोलॉजी में भी सिग्निफिकेंस चेंज आया और मार्केट में भी। अब आप देखिएगा, जब 3G था तब यूजर कम थे, एकदम से 4G आया तो यूजर बढ़ गए। जब 4G आया तो वो डिस्ट्रप्टिव हुई, लेकिन जब 5G आया तो एकदम 5G नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तो ये 5G की टेक्नोलॉजी हम अभी रेडिकल में रखेंगे और 4G की टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टिव में रखेंगे। समझ में आया? जब 4G आया था ना तो एकदम सिग्निफिकेंस चेंज आया था, क्योंकि हमारी लाइफ एकदम से बदल गई। 5G से भी बदलेगी, लेकिन अभी मार्केट में इंपैक्ट आया नहीं है, मार्केट में आने वाला है। तो ये इनोवेशन कौन सा था? रेडिकल, जिसमें एकदम टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म की गई। डिस्ट्रप्टिव में बिल्कुल तबाह हो गया, नया मार्केट क्रिएट हो गया। जैसे ही लैंडलाइन से हम मोबाइल फोन पे आए, मार्केट बिल्कुल सिग्निफिकेंट चेंज हो गया। तो इसको क्या कहा गया? डिस्ट्रप्टिव। और यही क्या कहलाया जाएगा? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्या है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब? कि आप आगे बढ़ के क्रिएट करके कुछ चीज अलग नहीं सोच रहे, है ना। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब कि कोई चीज नहीं सोची जा रही, इसमें केवल क्रिएटिव से आप समझ जाइए कि चीज नहीं सोची जा रही। चारों पॉइंट क्लियर हो गए? एक बार शॉर्ट फॉर्म में फिर से बता देता हूं, ठीक है। ADIR इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट है आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी तो हाई चेंज हुई है, सॉरी मार्केट हाई चेंज हुआ है लेकिन टेक्नोलॉजी लो चेंज हुई, मार्केट हाई चेंज हुआ है लेकिन टेक्नोलॉजी लो चेंज हुई है। इंक्रीमेंटल में क्या होता है? टेक्नोलॉजी और मार्केट दोनों ही लो चेंज होता है। नेक्स्ट क्या है अपना थर्ड पॉइंट क्या है? रेडिकल। इसके अंदर टेक्नोलॉजी ज्यादा चेंज हो जाती है, नई आ जाती है, लेकिन मार्केट में उसका इंपैक्ट कम देखने मिलता है कॉमर्शियल प्रोडक्ट के अंदर। और जब हम टेक्नोलॉजी और इंपैक्ट दोनों हाई चेंज आ जाते हैं तो उसको डिस्ट्रप्टिंग, यहाँ पे न्यू मार्केट क्रिएट होता है। रेडिकल में न्यू मार्केट क्रिएट नहीं होता, इंक्रीमेंटल के अंदर कुछ भी क्रिएट नहीं होता, केवल उसी प्रोडक्ट का अपडेशन होता है। आर्किटेक्चर में अपडेशन तो हुआ है लेकिन नया मार्केट ही बन गया, जरा सी उसके अंदर चेंज आई और मार्केट चेंज हो गया, जैसे कि IRCTC का मैंने एग्जांपल दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जल्द ही दूसरे वीडियो ला रहा हूं अंतिम प्रहार के। मस्त रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।